तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और पैटर्न की जानकारी आपके सामने NTA ने रख दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने के बाद CUET की इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको CUET 2024 के फुल पेपर पैटर्न को हम समझाएंगे, UG कोर्स के एडमिशन प्रोसीजर को भी समझाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो CUET है, BHU, DU जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ लगभग 100 से 150 यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम आप सभी के लिए क्लास 12th के बाद बेहद ही जरूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके पेपर पैटर्न को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट करें, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड चैनल होगा आपके लिए CUET के हर एक ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और इस वीडियो में जितना भी स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ NTA के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ही दिखाऊंगा और उसी के आधार पर बताऊंगा, इसलिए अगर आपको CUET का पैटर्न समझना है तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आपको आधा वीडियो देखने के बाद कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लाभ होगा, ये मेरा निवेदन है आपसे और यही मेरी सलाह भी है आपसे। तो सबसे पहले हमारे सामने है ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG 2024 आर एज फॉलोज। हल्का सा एक बार फीचर को समझेंगे कि किस तरीके से CUET 2024 का होने वाला है। आपके ऊपर यह भी दिख रहा है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए 9336257345, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हर एक अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से अपडेट होती रहेगी। और तैयारी के लिए क्या करना है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से, तो प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। तो ब्रॉड फीचर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो परिवर्तन है इस बार CUET 2024 में 2022 और 23 की तुलना में, जो मोड ऑफ टेस्ट होगा उसको हाइब्रिड मोड रखने का NTA ने फैसला लिया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और साथ में पेन पेपर भी। दूसरे नंबर पर बात करें, जो टेस्ट का पैटर्न होगा वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी MCQs के क्वेश्चन होंगे आपका, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। मीडियम कितना होगा, तो देखिए मीडियम का जो आपको दिया गया है लगभग 13 लैंग्वेज का ऑप्शन आपको दिया गया है, यानी आप अपना पेपर जो सिलेक्शन है उसमें कर सकते हैं लगभग 13 लैंग्वेज में, जिसमें आपका असमीज है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब बात करते हैं आपके जो सिलेबस को, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ डिटेल करूंगा लास्ट में, लेकिन ये स्लाइड में जो लिखा जा रहा है, मैंने जितना भी आपके पेपर पैटर्न से संबंधित स्लाइड है इसके बुलेटिन में था, सारा स्लाइड लगा दिया ताकि आपको सब कुछ मैं दिखा दूं, आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सिलेबस में पहले नंबर पर आ जाता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा जनरल टेस्ट। अब कोई यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पर एडमिशन, कोई सिर्फ डोमेन के आधार पर, कोई डोमेन और लैंग्वेज के आधार पर, कोई डोमेन लैंग्वेज जनरल टेस्ट तीनों के आधार पर, वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और साथ में डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज पर। यानी आपको BA करना है तो कोई और क्राइटेरिया फॉलो होगा, BSc करना है तो कोई और क्राइटेरिया फॉलो होगा, DU से करना है तो कोई और क्राइटेरिया फॉलो होगा, BHU से करना है तो कोई और क्राइटेरिया फॉलो होगा, किसी और यूनिवर्सिटी से करना है तो कोई और क्राइटेरिया फॉलो होगा। क्राइटेरिया मैच कर सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है कि मैच करे। ठीक, आगे देखते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो वेबसाइट है आपको पता है exams.nta.ac.in/CUET UG, और ये एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी नज़दीक आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो पूरी तरह से हाइब्रिड मोड में होगा, यानी पेन पेपर और CBT मोड दोनों का ऑप्शन आपको दिया जाएगा इस CUET UG में। अब बात करते हैं डिटेल में, डिटेल में आपके इस पैटर्न को हम समझते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे सामने हैं NTA के ऑफिशियल साइट पर, ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले नंबर पर लिखा गया है कि देयर आर 33 लैंग्वेजेज एंड 27 सब्जेक्ट्स, अ कैंडिडेट मे चूज एनी सब्जेक्ट और लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाई द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको 33 लैंग्वेज का ऑप्शन, 27 सब्जेक्ट यानी डोमेन का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अप टू 6 जैसा कि आपके फॉर्म में ऑप्शन है। और ये लेकिन किस आधार पर चूज करना है, तो डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और फिर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी, जिस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी हिंदी लैंग्वेज नहीं मांगती और आप जबरदस्ती भर दिए तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट की, तो हर एक लैंग्वेज पेपर में जितना भी आप अटेम्प्ट करेंगे या फिर जो भी सब्जेक्ट आप डोमेन में चूज करेंगे,
50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। मैक्सिमम 40 है, उससे कम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1/5 का जो है वो माइनस मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग रहेगा आपके पेपर में। जनरल टेस्ट का लिखा है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बींग ऑफर्ड बाई द यूनिवर्सिटीज वेयर जनरल टेस्ट बींग यूज फॉर एडमिशन। तो जनरल टेस्ट भी आपके ऑप्शन में रहेगा। आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ती है, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नोट में जो बातें लिखी जा रही हैं उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट और लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। यानी जो मैंने 3 सेक्शंस आपको बताए, लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट, और मैंने पहले ही बताया कि 6 ही ऑप्शन है, 6 ही टेस्ट पेपर आप चूज कर सकते हैं। आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको क्या क्या चूज करना है। कोई हेल्प की जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर मुझे इस कोर्स को इस यूनिवर्सिटी से करना है, तो हमें बता दीजिए, तो हम अपने वीडियो में या फिर शॉर्ट वीडियो में आप बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सेकंड नंबर पर 40 out of 50 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स एंड 50 out of 60 फॉर जनरल टेस्ट एंड ऑल ओवर द 10 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट्स। ठीक, आगे तीसरे नंबर पर, इट इज एडवाइजेबल फॉर द कैंडिडेट टू सेलेक्ट एट लीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। एनटीए खुद भी आपको सलाह दे रहा है कि कम से कम 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जरूर चूज करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज में ये दोनों शामिल जरूर रहते हैं। अगले नंबर पर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 4, ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट। ध्यान रखिएगा कि हर एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए अलग अलग से आपको कितना समय दिया जाएगा, 45 मिनट, यानी 45 मिनट लैंग्वेज के लिए भी, 45 मिनट अलग अलग डोमेन के लिए भी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ करके, तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल टेस्ट विच वुड बी 60 मिनट। यानी ये जो सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए इसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, तो 60 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि जनरल टेस्ट में क्वेश्चंस ज्यादा है इसलिए इसमें समय ज्यादा दिया जा रहा है। और ये कुछ ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। पांचवें नंबर पर, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल डेज इन 2 or 3 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। आपका जो एग्जाम होगा हर दिन लगभग दो दो तीन तीन शिफ्ट में होगा, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट जो है किस सब्जेक्ट में कितना फॉर्म भर रहे हैं। जैसे जनरल टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे तो वो कई दिन तक चलेगा और कई शिफ्ट में चलेगा। तो इस तरीके से डिसीजन लिया है CUET 2024 के लिए NTA ने। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, एक बार फिर से ये पॉइंट नोट था, नोट के रूप में दिया गया था, तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूं। मैं एक बार आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि पेपर पैटर्न से संबंधित जितना भी पॉइंट आपके बुलेटिन में था वो सब कुछ मैंने इस अपने स्लाइड में शामिल कर दिया है। तो लिखा हुआ है कि 40 out of 50 क्वेश्चंस आर बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 45 मिनट। ठीक, बाकी जिस कुछ सब्जेक्ट जो मैंने आपको नाम बताया एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स एंड जनरल टेस्ट का ड्यूरेशन जो है वो कितने मिनट का होगा, तो 60 मिनट का होगा। अब यहां पर जो हमारा लास्ट से एक और पहले का पॉइंट है इसमें हम समझ लेते हैं। जैसा कि कहा गया कि टोटल जो टेस्ट का संख्या है वो 61 है और इसमें से आपको सेलेक्ट कितना करना है, ओनली 6, क्योंकि 33 लैंग्वेज है इसमें से आपको 1 या 2 लैंग्वेज जो भी आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग, 27 डोमेन में से आपको जो सेलेक्ट करना हो और 1 जनरल टेस्ट आपको सेलेक्ट करना है नहीं करना है वो आप पर डिपेंड करता है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, यहां बताया गया, देखिए जो बातें मैंने उधर बताई उसको बहुत ही कॉन्साइज वे में बता दिया गया है। मैक्सिमम ऑफ 6 टेस्ट पेपर्स, 4 or 5 डोमेन इंक्लूडिंग 1 जनरल टेस्ट एंड 1 or 2 लैंग्वेजेस। कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 इंक्लूडिंग दिस, यानी आप मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं, कम भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, 3 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी 4 भी कर सकते हैं, यानी अधिक से अधिक आपको कितना मौका दिया जाएगा, अधिक से अधिक 6 का ही मौका दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मीडियम ऑफ टेस्ट मैंने बताया, देखिए लैंग्वेज पेपर चूज करना वो एक अलग बात हो गई और मीडियम की जो बात बताई जा रही वो अलग हो गया, क्योंकि आपके टोटल जो लैंग्वेजेज हैं वो 33 हैं लेकिन ये जो 13 अलग से हैं ये आपके मीडियम के रूप में बताया जा रहा है। यानी जो आपका टेस्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट का वो किसी भी मीडियम में आप चूज कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो अपना जो जनरल टेस्ट है वो बंगाली मीडियम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको बंगाली में ऑप्शन अटेम्प्ट करने को आएगा लेकिन उसके सेंटर्स जो है वो लिमिटेड होंगे। ठीक, मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड होगा। ठीक, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सब कुछ मैंने पहले बता ही दिया, वही चीज इसमें रिपीटेड बताया गया है। लास्ट पॉइंट जो है आज के इस वीडियो का वो है हमारा सिलेबस, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस जो है हमारे अलग अलग मेंटोर्स आपको जो भी उसके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको हमारे इस चैनल पर बताएंगे, आप डिमांड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सिलेबस ऑफ टेस्ट पर हम बात करें तो मैंने बताया है कि आपका जो ये टेस्ट पूरा CUET है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, डोमेन के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और जनरल टेस्ट एक अलग पेपर है।
लैंग्वेज में क्या होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रिहेंशन, पहले नंबर पर आ जाता है रीडिंग कंप्रिहेंशन, और बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, जिसमें फैक्चुअल होगा यानी तथ्यात्मक होगा, लिटररी होगा और नरेटिव होगा, तीन प्रकार के तीन पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपके लिटररी एप्टीट्यूड एंड वोकैब के क्वेश्चंस आएंगे। यानी आपको सबसे पहले कंप्रिहेंशन समझने के लिए एक तो आपकी रीडिंग स्किल बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, साथ में आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंप्रिहेंशन में आपका ग्रामर नहीं पूछा जा सकता, अगर कोई शब्द दिया जाएगा तो उससे रिलेटेड में कौन सी संज्ञा है, कौन सा नाउन है, ये सब आपसे पूछा ही जा सकता है। साथ में आपको लिटरेरी एप्टीट्यूड, लिटरेरी टर्म्स और वोकैब जो है मजबूत रखना होगा, वोकैब में वो सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे आप एंटोनिम सिनोनिम कह लो, हिंदी में विलोम पर्यायवाची समानार्थी जितना भी आप ले सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब कुछ आपके वोकैब में शामिल हो जाता है। ठीक, तो ओवरऑल आपका ग्रामर पोर्शन और रीडिंग पोर्शन जो है वो मजबूत होना चाहिए लैंग्वेज के लिए। सेकंड नंबर पर जो हमारे डोमेन का सिलेबस है एज गिवन ऑन द एनटीए वेबसाइट, एनटीए का कहना है कि आप हमारी वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया है, वैसे हम आपको सिलेबस का वीडियो बना बना के देंगे, लेकिन डोमेन के लिए आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी फॉलो करनी है सिलेबस के रूप में, ये मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूं, लेकिन कुछ टॉपिक्स इससे अलग भी हो सकते हैं क्योंकि बोर्ड में कुछ टॉपिक्स कटे थे लेकिन सीयूईटी में वो टॉपिक्स नहीं कटे हैं। थर्ड नंबर पे जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट में देखिए वो सब कुछ शामिल है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यानी ओवरऑल जो हमारा जनरल टेस्ट है उसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का जो हमारा पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा कवर्ड है, और साथ में उसमें क्या और शामिल है, उसमें साथ में करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सीयूईटी यूजी का पेपर पैटर्न होने वाला है। अगर आपको सीयूईटी यूजी से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारे ऑनलाइन बैचेस आपके सीयूईटी स्टडी कैपिटल इस ऐप पर शुरू हो चुके हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है पूरी तरह से, तो हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। इसके साथ में आपको जो भी सूचना चाहिए आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी वाराणसी में चलती हैं, अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यहां पर हर एक सीयूईटी की जितनी भी अपडेट्स होंगी ऑथेंटिक ढंग से और सही समय पर पहुंचाई जाएंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।